तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की चुनावी कवरेज लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर बनी हुई है, तो ऐसे में हम लगातार तमाम सहयोगियों से जुड़ रहे हैं, उनके विधानसभा सीटों पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें और आज ही 70 सीटों पर मतदान शुरू हुआ है, एक घंटा हो चुका है, 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम के 6 बजे तक होगा। समय थोड़ा सा बढ़ाया गया है क्योंकि संवेदनशील एरिया है, कुछ दुर्गम इलाके ऐसे होते हैं जहां पर मतदाता जो है वो काफी कम संख्या में पहुंच पाते हैं। ऐसे में किसी को कोई तकलीफ ना हो, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की हुई है। तो 70 विधानसभा सीटें और 632 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिनमें से करीब 391 प्रत्याशी गढ़वाल मंडल के हैं, 7 जिलों की 41 सीटों से, जबकि कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। तो 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। हालांकि इक्का दुक्का जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम में कुछ दिक्कत हुई है, वहां पर ईवीएम मशीन बदली गई है। तो कोटद्वार, लाल कुआं और मंगलौर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कोटद्वार से प्रशांत और धर्मेंद्र, लाल कुआं से अकील अहमद, मंगलौर से। सबसे पहले कोटद्वार का मैं रुख करूंगी। प्रशांत, कोटद्वार में मतदान की तस्वीरें कैसी देखने के लिए मिल रही है, कितना उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोटद्वार में आज मौसम काफी ठंडा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 1 घंटे में लगभग 5.5% वोटिंग हो चुकी है और कोटद्वार सबसे ज्यादा हॉट सीट बताई जा रही थी। हालांकि बीजेपी से रितु खंडूरी यहाँ से खड़ी हो रही थी और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी थे, तो टक्कर इन दोनों के बीच बताई जा रही थी। पर निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान के खड़े हो जाने के बाद और कोटद्वार में आम आदमी पार्टी के भी दावेदारी हो चुकी थी, इसमें चौतरफा मुकाबला हो चुका है। हालांकि रितु खंडूरी जो है वो भी अपने में काफी दम लगा रही हैं और 2012 के चुनाव की अगर बात करें तो रितु खंडूरी के पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के, भुवन चंद खंडूरी, उनको हार का सामना करना पड़ा था। और 2017 में जो है यहाँ से हरक सिंह रावत विजयी हुए थे, सुरेंद्र सिंह नेगी हारे थे। अब यहाँ पे जो मुकाबला देखा जा रहा है, इस समय समीकरण कुछ नहीं कहे जा सकते कि कौन अब की बार सीट निकाल रहा है और कौन नहीं निकाल रहा है। और बात करें अगर मतदान केंद्र की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए थे, पर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोले बनाए गए थे, इन गोलों में भी आप देख सकते हैं पब्लिक नहीं खड़ी हुई है, पब्लिक बिल्कुल अलग खड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे फोर्स तैनात है। वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, क्या वो लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जो गोले वहाँ पर बनाए गए हैं आप उसमें खड़े रहिए, या फिर उत्सुकता इतनी ज्यादा है कि हर लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतदान करें? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम है, जहां से बाहर से फोर्स आई हुई थी, उन फोर्सों की यहां पे तैनाती इस पोलिंग बूथ पे नहीं की गई है। नगर निगम पोलिंग बूथ है ये, यहां पे सिर्फ एक आप तो ये पुलिसकर्मी दिखाई दे सकते हैं यहां पे, जो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मामले में। हालांकि यहां देख सकते हैं आप, खुद पुलिस वाले बिना मास्क के हैं यहां पे, और कैमरा हमारी तरफ से जैसे ही कैमरा मुड़ा गया तो वो मास्क लगाने को तैयार हो गए थे। तो यहां पे जो है ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम देखे नहीं जा सकते। बिल्कुल, ईवीएम में कोई गड़बड़ी की खबर प्रशांत? ईवीएम में अभी ऐसी कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आ रही है, मतदान काफी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे जा रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पे।